दोस्तों बहरीन में गर्मी कब पड़ती है और ठंडी कब पड़ती है, यहाँ पे बारिश होता है कि नहीं होता है, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। क्योंकि बहरीन देश में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, सबको मालूम है, ठंडी भी यहाँ पे पड़ती है, लेकिन कब पड़ती है मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन तमाम तरह की जो जानकारी है हमारे चैनल में दी जाती है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से जो है जानकारी आपको दे सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहरीन में गर्मी पड़ती है, गर्मी आपको यहाँ पे इतना पड़ती है कि आप यहाँ पे आने के बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि गर्मी कितना है यहाँ पे। यहाँ पे गर्मी कभी कभी 47, कभी 50 भी हो जाता है, उससे अधिक भी जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी, एक ह्यूमिडिटी होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगता है। जैसे अपना इंडिया में जो है गर्मी पड़ता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब उमस होता है, उसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं और हिंदी में उसको उमस बोलते हैं। तो इंडिया में जो है उमस कम पड़ता है लेकिन यहाँ पे उमस उसका रेटिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए गर्मी लगता है। गर्मी कब लगता है तो गर्मी आपको लगेगा यहाँ पे, गर्मी चालू हो जाएगा आपको अप्रैल से थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको हार्ड गर्मी कब पड़ेगा तो आपको जुलाई और अगस्त। सितंबर में भी धीरे धीरे कम होता है लेकिन जुलाई और अगस्त दो महीना जो है यहाँ पे गर्मी इतना बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मी इतना गर्मी होने के कारण जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के हर साल रूल्स के मुताबिक यहाँ पे 8 घंटे की जो ड्यूटी है कर देती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी मतलब होती कैसे है, तो आपको जो है दिन में 12 बजे तक आपका जो है काम बंद हो जाना चाहिए, आपको साइड पे नहीं दिखना चाहिए, 12 बजे से पहले वहाँ से आपको निकलना होता है। क्योंकि 12 बजे के बाद अगर यहाँ की गवर्नमेंट आपको देखती है तो कंपनी के ऊपर फाइन भी लगा सकती है, इसके लिए जो है कंपनी 12 बजे तक ही काम करवाती है, 12 बजे के बाद काम नहीं करवाती है। अगर उसके बाद जो है मतलब कि 4 बजे के बाद जो है आप मतलब कि काम कर सकते हैं, 4 बजे के बाद आप ओवर टाइम कर सकते हैं, या आपका ड्यूटी 8 घंटे का है तो आप 4 घंटा सुबह में किए 4 घंटा शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब कि यहाँ पे 4 बजे के बाद ही आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे इतना गर्मी पड़ता है तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। गर्मी के लिए आपको कपड़ा कौन कौन सा लेके आना है, अगर आप मान लीजिए कोई ऑफिस वाले काम में आ रहे हैं तो ऑफिस वाले काम में आपको आराम है, कोई भी कपड़ा आपके लिए चलेगा, ठीक है। लेकिन आप वर्कर में आ रहे हैं तो वर्कर में भाई कपड़ा आपको गर्मी के लिए टी शर्ट लेके आना पड़ेगा, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं साइड पे तो आपको लोवर लेके आना पड़ेगा, टी शर्ट लेके आना पड़ेगा, उसके बाद जो है शॉर्ट सॉक्स होता है, एक लॉन्ग सॉक्स होता है, तो आपको शॉर्ट लेके आना है गर्मी के दिन में पहनने के लिए, तो वो भी ला सकते हैं। गर्मी में जितना से जितना हो सके हल्का सा हल्का कपड़ा लेके आइए, लेकिन ज़्यादा लेके आइए, क्योंकि गर्मी आपको 2 महीना ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हमारे अंदाज़ से यहाँ पे गर्मी मतलब कि सितंबर तक अगस्त तक पड़ता रहता है, ठीक है। अप्रैल से शुरू होता है और अगस्त सितंबर तक अक्टूबर तक मतलब कि उतना गर्मी मतलब कि रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना जुलाई और अगस्त में रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ठंडी के बारे में। तो ठंडी यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे आपको दिसंबर में ठंडी स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर से लेके आपको फरवरी तक मतलब कि ठंडी रहेगा, जनवरी फरवरी तक ठंडी रहेगा, उसमें मार्च में ठंडी कम हो जाता है, मतलब कि मीडियम रहता है, आपको गर्मी भी लगेगा ठंडी भी लगेगा दोनों होता है। तो ठंडी में आपको 4 महीना मतलब कि 3-4 महीना रहता है ठंडी भी, तो इसमें आपको जो है ठंडी का सामान लेके आना है। अगर ऑफिस में है तो आपको ठंडी का सामान जो है लेके नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आप साइड पे हैं तो आपको ठंडी का सामान तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी भी यहाँ पर ज़बरदस्त पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडी में आपको क्या लेके आना है, तो अगर आप वर्क करते हैं तो आपको जो है ऊनी जैकेट लेके आना है, आपको फैंसी जैकेट लेके नहीं आना है, क्योंकि फैंसी जैकेट यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको ख़राब हो सकता है, जल्दी फट सकता है, क्योंकि वो शो के लिए होता है। लेकिन आपको ऊनी जैकेट लेके आना है जो मजबूत हो, यहाँ पे काम करे, उसके बाद इनर लेके आना है,
ऊपर का नीचे का दोनों का इनर लेके आना है, लॉन्ग सॉक्स लेके आना है, ये सारी चीज़ें जो आपको लेके आना है क्योंकि ठंडी भी यहाँ पर ज़बरदस्त पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बारिश की बात करते हैं। तो बारिश दोस्तों यहाँ पे उतना नहीं पड़ता है, यहाँ पे ना के बराबर बारिश होता है। ठीक है, यहाँ पे उतना बारिश नहीं होता है। बारिश आपको गर्मी आने से पहले थोड़ा, गर्मी जब आना होगा तब आएगा, गर्मी जाना होगा तब आएगा, वो भी थोड़ा आता है, उतना नहीं आता है। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।